सो एज यू कैन सी हमारा आज का जो टॉपिक है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है हाइपर सेंसिटिविटी है क्या सेंसिटिविटी है क्या सेंसिटिविटी इज़ इन इम्यून रिएक्शन के आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटिव है फॉरन पैथोजन के लिए ये सेंसिटिविटी रिएक्शन है ज़रूरी नहीं है कि सेंसिटिविटी रिएक्शन पैथोलॉजिकल ही हो ऑबियसली इम्यूनिटी जितनी भी है वो फिजोलॉजिकल भी है हमारा सारा इम्यून सिस्टम फिजोलॉजिकली भी एक्ट करता है हाँ सर्टेन डिजीज़ में जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं तो फिर हाँ तब हमारा ये फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है वो समटाइम्स पैथोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करता है लेकिन सेंसिटिविटी होना या हाइपर सेंसिटिविटी भी होना यह फिजियोलॉजिकल भी होता है लेकिन एट सर्टेन टाइम विथ सर्टेन रिएक्शंस विद सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स विथ सर्टेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स ये कन्वर्ट हो जाता है पथोलॉजी में पैथोलॉजिकल रिए में ठीक है सो so सेंसिटिविटी होना या हाइपर सेंसिटिविटी होना हाइपर सेंसिटिविटी भी अगर कहा जाए तो ये भी एक फिजोलॉजिकल प्रोसेस ही है कि आपका आपका जो बॉडी uh, है वो हाइपर सेंसिटाइज है फॉरन पैथोजेंस के लिए चाहे वो वायरस हो बैक्टीरिया हो हेलमेट uh, हो पैरासाइट्स हो जो भी हो तो उनके लिए अगर कोई हाइपर सेंसिटाइज हमारी बॉडी है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन ठीक सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना ये कोई आ, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है बट मैंने आपसे कहा एट सर्टेन टाइम्स ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इमीडिएट हाइपर सेंसिविटी वन टू एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिविटी थ्री इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंटिविटी फोर सेल मीडिएटेड या डिलेड

राइट right? दो फीचर्स हैं इसके कि पेशेंट जो हो है, उसमें एलर्जी भी होगी और उस पेशेंट को हम कहेंगे ये ए टॉपिक है इसमें ए टोपी है क्या मतलब है ए टोपी का मैं भी आपको आगे समझाता हूँ फर्स्ट ऑफ़ ऑल एंटीजन को हमने ये कहा कि इसमें एंटीजन नहीं कहेंगे इसमें एलर्जन कहेंगे क्योंकि इसमें जो एंटीजन है वो जो रिएक्शन कॉज कर रहा है जिसको एंटीबॉडीज सेंसिटाइज़ कर रही हैं जिनके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है बाय एंटीबॉडीज वो क्या हो रहा है वो एलर्जन के अगेंस्ट हो रहे हैं सो फिर एंटीजन एलर्जन है एलर्जन हमेशा एनवायरमेंटल होगा मीन्स सारा कुछ बाहर से ही आएगा एक्सट्रेंजिक ही होगा इंट्रेंजिक नहीं है एंटीजन एंटीजन एलर्जन एक्सट्रेंजिक है राइट right? अच्छा इन्वामेंटल है फॉर एग्जांपल राय बारले पोलन एलर्जी बेशुमार वीट एलर्जी प्रोटीन एलर्जी बहुत कुछ होता है जिसमें एलर्जीज़ होती हैं और सारा कुछ ऐसे ऐसा आप इनहेल कर रहे होते हैं या आप एडजस्ट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स लोग ये कहते हैं कि जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो हम लंग्स की ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन है एलर्जेंस के लिए एलर्जी के लिए वो प्रिंसिपली ह्यूमन में लंग्स होता है प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन प्रिंसिपल इफेक्टिव ऑर्गन इन डॉग्स वो लिवर होता है इन केस ऑफ एलर्जी टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सो यहाँ पे हम लंग्स की इसलिए बार बार बात करते हैं ब्रोंकस की इसलिए बार बार बात करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन प्रिंसिपल इफेक्टिव ऑर्गन बाय द एलर्जी इज लंग्स अच्छा तो एनवायरमेंटल होगा फॉर एग्जांपल हम पोलन की बात करें तो सर्टेन ड्रग्स की बात करें बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें एलर्जी कॉस करवा सकती हैं लेकिन अगर हम पोलन की बात करते हैं तो पोलन के लिए हमारे हंड्रेड परसेंट पॉपुलेशन में ट्वेंटी परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो पोलन के एलर्जी एलर्जिक होते हैं एटी परसेंट नहीं होते हैं. 20 परसेंट होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं टू अलर्जन्स इसलिए उनके अंदर एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जनरेट होता है कैसे होता है क्यों होता है हम उस पर सारी बात करेंगे ट्वेंटी परसेंट अगर फॉर एग्जांपल उनके ऊपर रिएक्ट करता है और ट्वेंटी परसेंट जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है अगर कुछ लोगों में बिकॉज ऑफ़ द एलर्जेंस बिकॉज ऑफ़ द पोल एलर्जी या राय बारले बेशुमार चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप एलर्र्र्जी हो सकते हैं तो उसकी वजह से हो क्या रहा है अब अगर अगर ये ट्वेंटी परसेंट लोग हैं तो यहाँ हम इन्हें कहेंगे कि ये ट्वेंटी परसेंट वो लोग हैं जो ए टॉपिक हैं जिनमें ए टोपी है ठीक है ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो लोग होंगे जिनमें एलर्जिक रिएक्शन होंगे उनमें हम कहेंगे ये एटॉपिक लोग हैं वो एटॉपिक लोग जो 20% परसेंट होते हैं जो 20% परसेंट हाइपर सेंसिटाइज होते हैं जिनमें ए प्रेजेंट होती है टू सर्टेन एलर्जेंस अगर दोनों पेरेंट्स में एलर्जी है ए दोनों पेरेंट्स ए टॉपिक हैं तो 50% परसेंट ऑफ आल्सो सफरिंग फ्रॉम ए टोपी और टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी अगर दोनों पेरेंट्स में से एक है तो हम ये कहेंगे थर्टी परसेंट चांसेज हैं कि आपके ऑफ में किसी एक बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन होगा या ए होगी जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती होता क्या है मास सेल पे आई अटैच होते हैं आई कैसे अटैच होते हैं हमें भी बात करेंगे उसके ऊपर जाके एक एंटीजन जाके अटैच होगा जो फ्री एंटीजन है जो बाउंडेड नहीं था बाहर से आया था वो आके उसके ऊपर अटैच होगा और उसके ऊपर अटैच होके वो भी बाउंड हो जाएगा वो जो फ्री एंटीजन था वो भी वहाँ जाके बाउंड हो जाएगा और इसके ऊपर आईजीई एंटीबॉडी ऑलरेडी बाउंडेड है वो क्यों बाउंडेड है आईजीई क्यों बाउंडेड है हम उसके ऊपर बात करेंगे फिर वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन वो एंटीबॉडी वो आई जो बाउंडेड था उसके ऊपर जब जाके रिएक्ट करेगा जुड़ेगा उस रिसेप्टर पर आपका एलर्जन तो कुछ वेजो एक्टिव होंगे वो रिलीज करेगा आपके सेल्स एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होगा दिस इज दिस कॉज इज द पैथोलॉजिकल रिएक्शन टू एक्टिवेट इन योर बॉडी ठीक है इस रिएक्शन को कहते हैं ये एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है एनाफिलेक्टिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है क्यों कहते हैं इसको एनाफिलेक्टिक एक वर्ड होगा आपने अक्सर बात सुना भी होगा प्रो या प्रो फाइलेक्स यूँ होता है कि कोई पेशेंट है अगर किसी को न उसके हार्ट अटैक हुआ है तो हम उसे ये कहते हैं कि हम उसे बीटा ब्लॉकेस देना शुरू कर देते हैं हम उसे आ, हम उसे एंटीप्लेटलेट थेराेरापी देना शुरू कर देते हैं कि उसे खून पतला कर दें क्यों देना शुरू कर देते हैं हालाँकि वो तो हार्ट अटैक से सर्वाइव कर गए इसलिए कि हम फाइलेक्सिस का मतलब क्या है टू स्टैंड गार्ड टू स्टैंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट समथिंग ठीक है तो हम चाहते ही हैं कि इसको इसको ऑलरेडी तैयार कर लें ठीक कर लें प्रोटेक्ट कर लें अगले हार्ट अटैक से तो उसे हम कहते हैं ये प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन दे रहे हैं हम प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीट कर रहे हैं वो जो तूफान आने वाला है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम वो जो हार्ट अटैक आने वाला है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे कहते थे पोरोक्टिक है लेकिन पहले के ज़माने में यूँ होता था कि आ, सीरम इन्फ्यूज़ किया जाता था देखने के लिए कि कौन से एंटीजन के अगेंस्ट हम देंगे तो कौन से एंटीबायोटिक्स जनरेट होंगे तो उसमें ये होता था कि ऑलरेडी सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीजन अंदर प्रेजेंट होते थे हम उसमें और सीरम दे देते थे, थे तो अगेंस्ट प्रोफेलेक्सिस एक रिएक्शन हो जाता था इवन वर्स हो जाती थी कंडीशन तो हम ये कहते थे ये अब ऐना फाइलैक्टिक रिएक्शन हो गया ऑलरेडी बीच में एंटीजन मौजूद था हम और एंटीबॉडीज़ सेंसिटाइज़ थे हमने और सीरम दिया तो वो एंटीबॉडीज़ अब इंतहाई सवियरली रिएक्ट कर रहे हैं इवन ऑन द नॉर्मल ऑर्गन्स आगे मैं आपको बताऊँगा कि वो अगर एव... ओवरली सेंसिटाइज हो जाएँ तो उसकी वजह से क्या डैमेज कॉज होता है इसलिए ऐसा भी होता है आपने देखा होगा कि सर्टेन वैक्सीज होती हैं उनमें ये कहते हैं कि जो फ़लानी वैक्सीन है इसको हम फाइव ईयर्स के बाद देंगे फाइव ईयर्स से पहले हम नहीं देंगे इसको दो साल बाद देंगे बी को अब देंगे आप ई पी आई पढ़ें जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है उसमें आप कैजुअल पढ़ें तो हर किसी का टाइम स्पेन है बी का अलग स्पेन है पोलियो का अलग स्पेन है टाइफाइड का अलग स्पेन है सबका अलग अलग स्पेन है वो अलग स्पेन क्यों है क्योंकि हम अगर पाँच साल से पहले या दो साल से पहले ये जो भी टाइम है उस वैक्सीन का उससे पहले हम दे देंगे तो हमने ऑलरेडी अंदर एंटीजन जैसे तो दिए हुए थे उसके सीरम में एंटीजन मौजूद थे एंटीबॉडी सेंसीटाइज थे अगर हमने टाइम से पहले और एंटीजन इंट्रोड्यूस करवा दिए तो फिर एक सवियर अलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा ठीक है, है भी हो सकता है उसमें उस वजह से जो reaction होगा, जो कि है, against the protection है, जो कि हमने खुद अपने आप को करवा बैठे हैं हम उसे हम ये कहेंगे अब ये है एंटीबॉडीज मेनली आईजी प्रेजेंट है इसमें ठीक है मैसल्स एंड बेजोफिल्स की बात है क्यों मैसल्स एंड बेजोफिल्स की बात है मैं भी आपसे करता हूँ दैट स्टिमुलेट और कॉल्ड एलर्जन या पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से एलर्जन जो हैं वो आपको करवा सकते हैं टाइवन हाई परसेंट रिएक्शन कैन एन सिस्टमिक सिस्टमिक एनाफ्लैक्स भी हो सकता है जो भी मैं आपसे बात कर रहा था कि एनाफ्लेक्सिस सिस्टमिक भी हो सकता है लोकलाइज भी हो सकता है कि लोकलाइज कोई आपने इन्हेल किया इंजेस्ट किया आपने कुछ भी इनहेल uh, किया और आपके लंग्स में जाके लोकल रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से आपको अलर्जिक राइनाइटिस हुआ अलर्जिक यूसिनोफेलिक निमोनिया हुआ एजदमा हुआ देर और लॉस ऑफ डिजीज जिसकी वजह से ये सब हो रहा है चलिए जी अब हम टाइप वन की तरफ आते हैं टाइप वन में हो क्या रहा है टाइप वन में हो ही रहा है कि अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप कॉज हुआ कोई प्रॉब्लम सेंसिटिविटी रिएक्शन में हुई तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आपने इन्हेल किया है ठीक है आप अगर कोई एलर्जन इन्हेल करेंगे तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है जिसको एक्टिवेट होना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको जिसको इस हेल इसे इंजेस्ट करना चाहिए था फेगोसाइटोस करना चाहिए था वो था माइक्रोफेज ठीक है माइक्रोफेज को चाहिए था कि वो इसे इंजेस्ट करता फेगोसाइटोस करता अच्छा अगर तो मैक्रोफेज इसे इन्जस्ट करेगा इसे फेगोसाइटोस करेगा जैसे यहाँ भी आ, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर टू सेल्स अच्छा हाँ चलें यहाँ से इन्होंने मैक्रोफेज वाली बात नहीं बताई लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर मैं देखिए मैक्रोफेज अगर आपने इन्जस्ट किया तो मैक्रोफेज का क्या काम था आपको याद होगा मैक्रोफेज क्या करेगा माइक्रोफेज जो है वो मेजर कम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो था टू एम एच सी टू उस हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से टू से उस पोलन लर्जिक को जो तोड़ देगा तो उसका पार्टिकल को शो कर देगा देखिए जी ये मेरे पास है अब ठीक है अगर वो जो अगर वो शो कर देगा तो उसके बाद क्या होगा टी हेल्पर नाई सेल उसे डिटेक्ट करेगा ठीक है विद द हेल्प ऑफ मैंने आपको बताया था कैन ट्वेल्व अच्छा अगर टी हेल्पर सेल वहां पर आ गया तो उसने क्या करना है आपको याद होगा मैंने मैं, मैं क्वेश्चन वेट कर रहा था जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया तो मैं वेट कर रहा था आप में से कोई मुझसे ये भी सवाल करता कि टी हेल्पर टू सेल का क्या काम है लेकिन आप में से मुझे किसी ने ये सवाल नहीं किया क्योंकि मैंने आपको ये बताया भी था कि एक अनॉन सेल होगा एक अनॉन ट्रिगर uh, होगा कि जो सेल पे एक्ट करेगा और उस पर क्या किस चीज से एक्ट करेगा इंटरल्यूकिन फोर से इंटरल्यूकिन फोर से जब वो एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा टी हेल्पर टू बनेंगे इंटरल्यूकिन वन टू से क्या बन रहा था टी हेल्पर वन एंड से टी सेल लेकिन अगर फोर एक्ट करेगा उसी टी ना एच ना ई पे तो वो टी हेल्पर टू में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ठीक है जो टी हेल्पर टू है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता वो उन सेल्स को उन इंफेक्शन्स को कि जो इनडायरेक्टली हमें डैमेज कर रहे हैं जैसे कि हेलमेंथ पैरासाइड्स एस्कोरिकॉइड्स है बिशुमार हैं कोकोइड है वो जो हैं वो जो हमें एक्ट कर रहे हैं ये उनके अगेंस्ट लड़ते हैं टी हेल्पर टू सेल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेन रोल है टी हेल्पर टू सेल्स का वो एलर्जिक रिएक्शंस में भी है वो क्या रोल है मैं भी आपको समझाने लगाऊं अच्छा वो जो टी हेल्पर टू सेल्स हैं मैंने आपको बताया था वो टी हेल्पर इंटरल्यूकिन फोर अगर एक्ट करेगा टी एच नाइव पे तो वो टी हेल्पर टू में डिफ्रेंशिएट करेगा टी हेल्पर टू में जैसे ही वो डिफ्रेंशिएट करेगा वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन फोर एंड फाइव ये जो इंटरल्यूकिन फोर एंड फाइव है ये एक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे ऑन योर बी सेल्स और उसे प्रॉलीफ्रेट भी करवाएंगे और डिफ्रेंशिएट भी करवाएंगे इन टू प्लाज्मा सेल्स अच्छा अगर तो इन्होंने प्लाज्मा किसने कन्वर्ट करवाया टी हेल्पर टू सेल्स ने रिलीज किया इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिन फोर ने ही इसको एक्टिवेट किया था रिमेंबर इंटरल्यूकिन फोर ने जब इसको एक्टिवेट किया तो उसने आगे से रिलीज किया इंटरल्यूकिन अच्छा सॉरी इंटरव्यू फोर इंटरव्यू फोर से ही एक्टिवेट होके हां जी इंटरव्यू फोर से ही एक्टिवेट होके इन्होंने रिलीज क्या किया इंटरव्यू फोर अच्छा जी चलो ठीक है इन्होंने इंटरल्यूकिन फोर तो एक कर लिया और इंटरल्यूकिन फोर के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि इंटाल्यूकिन फोर ने क्या करना है इंटाल्यूकन फेन फोर ने यह करना था कि इन्होंने प्लाज्मा सेल को डिफ्रेंशिएट भी करवाना था पॉलीफ्रेट भी करवाना था अगर तो ये प्लाज्मा सेल को डिफ्रेंशिएट करवाएंगे पोलीफ्रेट करवाएंगे तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये नॉर्मल क्या होना चाहिए नॉर्मल ये होना चाहिए था कि वहाँ से बीटा सेल्स ने जब प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट करना था तो उन्हें कौन सी सेल लाइन कौन से मेनोग्लोबल ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहिए था आई एंड आई को राइट अच्छा उन ट्वेंटी परसेंट लोगों में, में प्रेजेंट है उनमें ये अम्यूनोग्लोबल लाइन चेंज हो जाएगी ठीक है उनमें आई और आई की बजाय एक और साइकिल एक्टिवेट हो जाएगा और उससे आई रिलीज होना शुरू हो जाएंगे डिफेक्ट किसका होता है डिफेक्ट उस बीटा सेल के रिसेप्टर का होता है जिसपे टी एच टू का इंटरल्यूकिन कैन फोर एंड फाइव जाके एक्ट कर रहा था उस रिसेप्टर के डिफेक्ट की वजह से जब प्लाज्मा सेल एक्टिवेट एंड प्रोलीफरेट होगा तो वो एक्टिवेट हो के बजाय इसके वो फिजियोलॉजिकली आईजीएम एंड आईजीजी रिलीज़ करता वो आईजीई रिलीज़ करना शुरू कर देगा अच्छा ये आईजीई जब रिलीज़ होंगे तो फिर ये जाके मा सेल पे जुड़ जाएंगे अच्छा अब यहाँ पे आप देखें हम यहाँ से अब बात करते हैं डायग्राम से हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ टी एच टू सेल्स एंड आई जी ई क्लासिंग एन बी सेल्स ठीक है बी सेल्स की बात हो गई कि बी सेल जो है होगी आई जी ई सिक्रीटिंग बी सेल ठीक है वही बी सेल से आई जी ई भी निकल गया ठीक है ये भी हो गया उसके बाद यहां देखें ये एफ सी ई आर वन ये एक रिसेप्टर है जो अटैच करवाएगा जो सीमेंट करेगा आपके आई जी ई को और फिर ये आगे से एक्टिवेट करता है एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एफ सी ई आर वन है ये इसमें एफ सी ई आर टू भी होता है जो के एक्ट करता है जो के इसको सीमेंट करता है वहाँ पे और आई टैम एक प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करवाता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि एफ सी ई आर वन का ही जिक्र है क्योंकि एफ सी ई आर वन का जिक्र है क्योंकि एफ सी ई आर वन जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है देन एफ सी ई आर टू इसलिए हम सिर्फ एफ सी ई आर वन का ही जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर भी मास सेल पे एफ सी ई आर वन ने अटैच करवा दिया आई जी ई को अच्छा जी ये तो सबसे एक दफ़ा हुआ ना एक दफ़ा ये हुआ क्या हुआ था एक दफ़ा एक दफ़ा तो ये हुआ था कि जी आ... आया था आपके पास टी हेल्पर सेल्स अलर्जन आया माइक्रोफिज ने इंजस्ट किया फेगोसाइटोज किया टी हेल्पर सेल्स आए टी हेल्पर सेल्स ने इंटरल्यूकन फोर एंड फाइव को रिलीज़ किया इंटरल्यून फाइव एंड फोर ने एक अल्टर्ड रिसेप्टर पे एक्ट किया रिसेप्टर पे एक्ट करके बी सेल को बीस सेल से बजाय इसके कि आई जी एम आई जी जी रिलीज करवा था डिफेक्ट होने की वजह से आई जी ई रिलीज हुआ और आई जी ई एफ सी ई आर वन पे जाके अटैच हो गया ऑन मासल्स चलें तो बात हमें समझ आ गई अगर ये तो सारा हो गया फिजियोलॉजिकली ठीक है ये सब कुछ हो रहा है ठीक है ये पहला एक्सपोजर है उस एलर्जन को अगर ये देखें आप फोर्थ स्टेप देखें रिपीट एक्सपोजर हो उसी एलर्जन को तो ये सारा प्रोसेस तो होगा सो होगा लेकिन वो एलर्जन जाके अब आई पे अटैच हो जाएगा कौन से आई जो मास सेल के सरफेस पे मौजूद हैं अटैच्ड हैं एफ सी आर पे जब वो अटैच होगा तो वो एक सर्टेन रिएक्शन एक्टिवेट कर देगा ठीक है अच्छा वो जो सर्टेन रिएक्शन एक्टिवेट करेगा वो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है मीडिएटर्स से वो एक प्रॉब्लम जनरेट करेगा अच्छा उस मीडिएटर्स से होगा क्या वो कौन से मीडिएटर्स हैं जिनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे पहले तो ये आई टैम एक प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा जो कि आपकी कन्फर्मेशनल चेंज ले आएगा आपके पूरे मास सेल में जो मास सेल में चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी उनको रिलीज़ करवा देगा ताकि वो आगे से वेजो एक्टिव डीग्रेनुलेशन करवा सकें और आपको पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम कर, करवा कॉज करवा सकें ठीक है अच्छा फिर क्या होगा उसकी वजह से देखें आ, बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी उससे ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्टिवेट होंगे उससे ये होगा कि जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे जैसे ही हम हमारा जो डीग्रैनोलेशन होगी हमारी मास सेल की जब हमारे मास सेल पे यह मेडिएटर्स की बात जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट फेज रिएक्शन टू टू आवर्स आफ्टर रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन और उसमें लिखा हुआ है इमीडिएट हाइपर सेंसिविटी रिएक्शन मिनट्स आफ्टर रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन इसका क्या मतलब है पहले चले मैं आपको ये समझा देता हूँ इससे पहले कि हम डिग्रैनोलेन का जिक्र करें लेकिन जो इमीजिएट रिएक्शन की बात ये की गई है वो ये बताने की कोशिश की गई है जो इमीजिएट रिएक्शनस होंगे वो वो होंगे जिसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है आ, ये सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें जो पहले दो से टू टू टेन मिनट्स जो चल रहा होता है जो उसमें से टू टू टेन मिनट्स वो सारा फिजियोलॉजिकल होता है उन टू टू टेन मिनट्स में क्या होता है मैंने यार उसको थर्टी मिनट्स भी कह सकते हैं जो टू से थर्ट मिनट्स तक जा रहा होता है उसमें हो क्या रहा होता है जो टू से थर्टी मिनट्स होते हैं उसमें ये हो रहा होता है कि उसमें मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब हिस्टाम रिलीज़ होगा तो वहाँ पर वो कंजेशन भी कॉज करवाएगा मस्कुलर वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करवा सकता है मस्कुलर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकता है और आपको मैंने ये बताया था कि वहाँ पे है जो प्री आर्टीरियल सफिंक्टर है उसकी डायलेशन डालेश, भी करवा सकता है तो वो एक्चुअली डायलेशन भी कॉज करवा रहा है आर्टीरियोलर और उसके बाद कंजेशन भी करवा रहा है क्योंकि लेटर ऑन पहले जब प्री आर्टीरियल वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन डायलेशन होगी उसके बाद जो वेस्कुलर स्मूथ मसल होगा जो बाकी का मस्कुलर मसल्स होंगे जो एक्टिन मायोफिलामेंट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट भी करना शुरू कर देंगे ये सब कैसे हो रहा है मैं आपको ये बात आगे समझाता भी हूँ लेकिन पहले जो टू से थर्टी मिनट्स हैं जिनमें वो क्या रहा है जिनमें प्री आर्टीरियोलर एक्टिवेशन हो रही है जिसकी वजह से डायलेशन हो रही है और उसके साथ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी हो रही है ठीक है कंजेशन भी हो रही है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन भी हो रही है ये सारे का सारा फिजियोलॉजिकल है यहाँ तक पैथोलॉजी नहीं आएगी यहाँ तक इन्फ्लेमेशन की बात नहीं हुई यहाँ तक डिग्रैनोलेशन की बात नहीं हुई ठीक है तो अगर तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन की बात है और डिगेनुलेशन की बात नहीं है तो फिर तो ये फिजियोलॉजिकल है लेकिन अगर दो से आठ घंटे तक बात की जैसे ये लेट फेज़ रिएक्शन की बात है जब लेट फेज़ रिएक्शन होगा तो फिर इन्फ्लेमेशन होगी फिर इन्फ्लेमेशन जरूर होगी और आ, जो टाइप टू होता है जो टाइप टू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है वो पाँच से आठ घंटे में हो जाता है जो टाइप थ्री है वो टू से थ्री वीक्स लेता है और ये जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम कहते हैं जिसे टाइप फोर कहते हैं ये अड़तालीस से बहत्तर घंटे लेता है अच्छा जी हम बात कर रहे थे फर्स्ट एक्सपोजियर की बात हुई अगर तो फर्स्ट एक्सपोजर की बात करें कि एंटीजन एंटर द बॉडी सेवेंटीज़ आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंटीबॉडीज बिकॉज ऑब्वियसली जब एलर्जन जाएगा तो वो एंटीबॉडीज रिएक्शन एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी रिएक्शन एक्टिवेट करेगा उसे कम अज़ कम एक्टिवेट होने में सेवन टू फिफ्टीन डेज लग जाते हैं इसलिए बहुत सारे ऐसे डिजीजेज़ हैं जैसे पोस्ट ग्लोमेरो नेफ्राइटस है कि जैसे ही उसमें एक फरेंजाइटस होता है सेवन टू एट डेज़ बाद जाके आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट में ब्रेन पर रिएक्शन होता है और उसके बाद आपको प्रॉब्लम uh, क्रिएट होता है उसके बाद जाके आपको ग्लोमेरो होता है एक्चुअली आपको स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है आपके गले में और ग्लोमेरोलोनफ्राइटस होता है आपको 10 से 15 दिन बाद वो क्यों क्योंकि 10 से 15 दिन लग जाते हैं एंटीबॉडीज़ को जनरेट होने में अटैच ऑन आई हमने बात की आई uh, जी जो है वो एफ सी आर वन से अटैच होगा अटैच सेंसिटाइजेशन ऑफ मासल्स जब वो अटैच होगा और उस ओवर सेंसिटाइज़ कर देगा तो फिर जब रिपीटेड एलर्जन आएगा जब सेकंड टाइम एलर्जन आएगा तो वो डायरेक्टली जाके अटैच हो जाएगा उस रिएक्शन के बाद फ़ौरन से जाके अटैच हो जाएगा आपके आई पे जो आपके मासल्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे हो क्या रहा है ब्रोंकस में हो क्या रहा है एल्विलाई में एल्विलाई में क्या था दो तीन चीज़ें हैं गॉबलेट सेल है म्यु, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं आपको पता है गॉबलेट सेल्स हैं उसके बाद म्यूकोसिल म्यूकसीलिया हैं वहाँ पे वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगी और आर्टरीज हैं वहाँ पे। अब वो जो टिश्यू स्मूथ मसल्स थे उनकी तो कंस्ट्रक्शन हो गई आर्टीरियोल्स जो थी उनकी वेजोडाइलेशन हो गई म्यूकस ओवर ओवरसिक्रेशन हो गई ये तीन चीज़ें पहले 230 मिनट में होंगी ठीक है अभी तक कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं हुई कोई पैथोलॉजी जनरेट नहीं हुई अभी तक सब फिजियोलॉजिकल चल रहा था उसके बाद क्या होगा उसके बाद फिर प्रॉब्लम जनरेट होगा पैथोलॉजिकल यहाँ बात करते हैं स्टार्ट विदी मिनट्स ऑफ एंटीजन एंट्री एक्सपोजर एंड विल प्रजेट फॉर वन आर टू सिक्सटी मिनट्स ठीक है क्रॉस लिंकिंग ऑफ आई जी ई एंटीबॉडी ऑन सेंसिटाइज मास सेल्स एंड बेज ठीक है समझ आ गई आपको रिलीज ऑफ हिस्टामिन उसके बाद क्या होगा हिस्टामिन रिलीज होगा बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ दैट आई जी ई ऑन द सर्फेस ऑफ मास सेल्स वो कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा आपके मास सेल में और वो डीग्रेनुलेट होगा और जब डीग्रेनुलेशन होगी तो हिस्टामीन रिलीज होगी और जब हिस्टामीन रिलीज होगा तो मैंने आपको बताया उसमें उसके तीन रिएक्शन हैं मैंने आपको बता दिया उसके जो तीन पार्ट्स हैं वो करेगा पूरी बात यहाँ पे नहीं लिखी गई पूरी बात में बहुत सारी बातें हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ मा सेल डीग्रैनुलेशन वेजोडाशन वेस्कुलर लीच लीकेज स्मूथ मसल पैज अर्ली ये होगा डीग्रेनुलेशन कैसे होगी बहुत लंबा प्रोसेस है ये लेकिन क्योंकि यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब किया गया मैं नहीं डिस्क्राइब कर रहा लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें तीन जैसे ही मास सेल एक्टिवेट होता है डी गिनट करता है कैसे करता है फॉसफोलाइपेस सी एडिनाइलाइट साइक्लेज एंड फॉसफोलाइपेज ए टू इन तीनों का इसमें रिएक्शन है फॉसफोलाइपेस सी जो होता है वो एक्टिवेट करता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एस को जब एक्टिवेट करता है तो वो कैल्शियम रिलीज़ करता है जबकि एक तो इसका ये मसला है कैल्शियम रिलीज़ करता है और उसके बाद फिर वो डीग्रेनुलेशन के लिए हमें हेल्प आउट करता है इस तरह फॉसफोलाइपे सी हमें पैथोलॉजिकल रिएक्शन एक्टिवेट करेगा दूसरा काम क्या करेगा दूसरा काम ये करेगा कि फॉसफोलाइपे सी न्यूक्लियस पे एक्ट करके कुछ साइटोकाइंस रिलीज करवाता है

वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ वो जो श्रिंकेज होगी उसकी वजह से एक्स्ट्राविजेशन होती है जब वो श्रिंक होते हैं उनमें गैप्स आता है जैसे एंडोथीलियल सेल्स का मैंने आपको बताया था कि वो श्रिंक हो गए तो गैप्स आएगा ऐसे ही जब वेन्यूलर एंडोथीलियल सेल्स आते हैं उनकी जब श्रिंकेज होती है तो एक्स्ट्राइजेशन होती है उसके ये दो ये काम हो गए और फिर स्पैज भी आता है बिकॉज ऑफ सिक्रोटेन सिक्रिएशन ठीक है सेरोटिन भी ऑलमोस्ट हिस्टामिन ही है लेकिन इसके जो काम है वो उससे जरा वीक है और इसका प्लेटलेट एक्टिवेशन में ज़्यादा काम है सो so फिर डिग्रेनिशन से हुआ क्या वेजुडाइलेशन हुई वेस्कुलर लीकेज हुई मैंने आपको बताया क्यों लीकेज हुई एंड स्मूथ मसल स्पेज हुआ <coughs> सारी बात मैंने आपसे कर दी जब लेट फेज आएगा फॉर सेवरल डेज उसमें क्या होगा रोल ऑफ एरेकेसिड अब ये सारी जो कॉन्सेप्ट एसिड का ये बहुत कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं इसको शॉर्टर और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ मैंने आपसे कहा था कि जब एक्टिवेशन होगी तो तीन पैथोलॉजिकल वेजो एक्टिव सब्सटॉस एक्टिवेट होंगे सी जो कि हमें न्यूक्लियस से साइटोक रिलीज करवाएगा जो कि स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेडिक्यूलम से कैल्शियम रिलीज करवाएगा जो डिग्रेनुलेन को इनिशियट करते हैं इनिशिएट करते हैं उसके बाद आइडीनाइलेट साइक्लेज साइक्स ए टी को साइक्लिक ए में कन्वर्ट करता है और साइक्लिक एम भी इनिशिएट करती है आपकी डिग्रेनोलेशन साइक्लिक एम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो इस तरह की ये डिग्रेनोलेशन को स्टार्ट करती है लेकिन डिग्रेनुलेशन होने नहीं देती तो कई ऐसी ड्रग्स हैं जो साइक्लिक एम पी का इंट्रामास सेल डेंसिटी इंक्रीज करती हैं ताकि ये इंक्रीज रहे और डिग्रेनोेशन ना हो एलर्जिक सबस्टांसिस ना एक्टिवेट हों डिग्रेन नहीं होगी तो एलर्जिक सब्सटेंस से एक्टिवेट नहीं होंगे डिग्रेनोलेशन ना हो तो इसका क्या मतलब है देखिए जी मास सेल की अगर डिग्रेनोलेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि एक टैक्सी चल रही है पूरी बॉडी में और उसमें पांच बंदे बैठे हुए हैं और ना पिक कर सकती है ना ड्रॉप कर सकती है तो हमें ऐसी टैक्सी का क्या फ़ायदा है सो so, डिग्रेनोलेशन अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब वो एक्टिवेटेड है भी तो भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा ठीक है सो so, फिर कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो साइक्लिक ए एम पी को इंक्रीज रखती हैं बाई इंक्रीजिंग द रिएक्शन ऑफ एडीनाइ साइक्लेज ताकि डिग्रेनोलेशन ना हो एलर्जिक सब्सान अलर्जिक रिएक्शन ना शुरू हो साइक्लिक साइक्लिकी का ज़रूरी है ज़्यादा होना इंक्रीज अमाउंट में होना टू एक्टिवेट द डिग्रेनोलेन बट टू कॉज द डिग्रेनोलेन साइकिलिकम पी का डिक्रीज़ होना ज़रूरी है जब तक साइक्लिक एम पी डिक्रीज नहीं होता डिग्रेनोलेशन कॉज नहीं होती वेजो एक्टिव सब्सटांस रिलीज नहीं होते अच्छा यहाँ पे बात लिखी हुई है एसिड की एरेक्डॉनिक्स एसिड क्या करता है मैं आपको पता होगा एरेकेड एसिड के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि इसके दो रिएक्शन हैं दो काम हैं ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंड लाइपऑक्सीजनेज को एक्टिवेट करवाता है थ्रोलिनोलेक एसिड ठीक है और फिर साइक्लो ऑक्सीजनेज का क्या काम है ये प्रोस्टाग्लैंडिंग्स को एक्टिवेट करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिंग्स क्या करवाते हैं ब्रॉन्को कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द इंक्रीज योर यमिएबिलिटी तो फिर वही वाली बात आ गई ये भी Uh, क्या कर रहे हैं ये एक एलर्जिक ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करवा रहे हैं एलेक्डॉनिक एसिड दूसरा लाइफ ऑक्सीजनेज जब एक्टिवेट होता है तो वो ल्यूक्ट्राइन बी फोर की ई फोर तीनों को एक्टिवेट करता है लिकोट्राइन बी फोर का आपको याद हो अगर तो मैंने आपको क्यूड इन्फ्लेमेशन में बताया था कि ये कीमोटैक्टिक एजेंट है लिकोट्राइन बी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था उस वक्त तो ये जो क्लिकोट्राइन ई बी है ये मैक्रोफेज को रिक्रूट करता है कीमोटैक्सिस कॉज करवाता है उसे अट्रैक्ट करता है टर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड टूवर्ड्स द एंटोटॉक्सिंग टू फेगोसाइटोजिट और लीकोट्राइन ई फोर एंड डी फोर ये सवियरली वेजो कंस्ट्रक्टिंग एजेंट हैं एज वेल एज ब्रॉन्को कंस्ट्रक्टिंग एजेंट हैं, एज वेल एज दे एक्चुअली इंक्रीज द सिक्रिएशन ऑफ म्यूकस इन योर एल्गोलाइ सो फिर ये सारा कुछ कर क्या रहे हैं ये एक सवियर अलर्जिक रिएक्शन एक्टिवेट कर रहे हैं जिससे पेशेंट को एक सवियर कंजेशन हो रही है तो ये और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे ये आप देख सकते हैं जो कंडीशन हो रही है ये आप पढ़ लीजिएगा उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं क्लिनिकल uh, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जी है हो सकती है एलर्जी हो सकती है ब्राउन के हो सकता है ठीक है यह हम मैंने आपको जितना ब्रीफ कर सकता था मैंने उसको ब्रीफ करके एक्सप्लेन कर दिया हालांकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंक्रीज हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ईसिनोफिलिक रिक्रूटमेंट फैक्टर्स हैं इसमें न्यूट्रोफिलिक कीमोटेक्टिक फैक्टर्स हैं उनका बहुत रोल है इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका रोल है वेन्युल्स का अलग रोल है ईसिनोफिल्स का अलग रोल है टी हेल्पर सेल्स का अलग रोल है टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो एज एग्जोटें एग्जोटेक्सिन एक्ट करते हैं ईटेक्सिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिक्रूट करते हैं योसिनोफिल्स को रिक्रूट करते हैं टी हेल्पर सेल्स को रिक्रूट करते हैं जो कि वहाँ पर क्लोजली जाके के को डैमेज करते हैं होता ये है कि कुछ हिस्टामीन के बाद कुछ प्रोटीज़ रिलीज़ होते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा आ, ये जो टी सेल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो ये लिखा हुआ है एक्चुअली टी सेल्स के बारे में ये है कि कुछ जब ये रिएक्शन एक्टिवेट होता तो है जब हिस्टामिन रिलीज़ होती है जब डीग्रेनुलेशन हो जाती है हिस्टामिन जब रिलीज होगा तो वो फिर प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करेगा जब प्रोटीएजेस एक्टिवेट होंगे तो वो ऑब्वियसली वेस्कुलर डैमेज करवाएंगे जब प्रोटीएजेस डैमेज करवाएंगे साइटोस्केलेटन के प्रोटीन को डैमेज करवाएंगे तो ब्रेडी कैन रिलीज होगा जब ब्रेडी कैनन रिलीज होगा तो वो रिक्रूटमेंट करेगा न्यूट्रोफिल्स की भी इओसिनोफिल्स की भी और साथ साथ वो ईटेक्सिन भी रिलीज करवाता है जो कि रिक्रूट करता है ईसिनोफिल्स को साथ

लास्ट बात में याद है कि हमने कहा था कि एंटीजिन जो है वो बाहर से आ रहा है है ना हमने इनहेल किया था उस एलर्जन को यहां एंटीजन फिक्स्ड है ठीक है लेकिन हमने वहां ये कहा था कि एंटीबॉडी फिक्स्ड है यहां एंटीबॉडी फिक्स नहीं है क्योंकि यहां एंटीबॉडी घूम रहा है पूरे ब्लड में टाइप टू में लेकिन जो जो एंटीजन था वो फिक्स्ड है वो हमने इनहेल नहीं किया वो इंट्रेंजिक है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है अच्छा चलो अगर तो ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से कौन से रिएक्शंस आएंगे उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी पड़ा रहे तो ओके okay, है अगर तो ए, कैसे हो सकता है क्या हो सकता है इंटेंजिक एक्टिवेशन क्या होती है इंट्रेंसिक एंटीजन क्या होता है इंट्रेंसिक एंटीजन ये होता है कि हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसे एंटीजन समझ बैठता है फ़ॉर उसे खतरा और थ्रेट समझ बैठता है फ़ौरन फ़ॉरन थ्रेट समझ बैठता है उसे लगता है कि कहीं बाहर की कोई चीज़ है ये होस्ट नहीं है वो जो होस्ट एंटीजन होता है वो ऑटो एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो ऑटो एंटीजन में कन्वर्ट होता है तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बना लेता है और जब वो ऑटो एंटीबॉडीज़ उस ऑटो एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर ये एक सवियर ऑटो इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबल हैं इन्वॉल्ड हैं एंटीबॉडीज़ जो रिएक्शन कॉस करवाएंगे वो आई एंड आई हैं अच्छा तो आई एंड आई जो हैं वो एक ऑटो एंटीजन के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाएंगे जैसे कि अगर हम बात करें कुछ हीमोलिटिक डिजीज़ हैं ठीक है थीके? ये तीन पैथोजेनेसिस हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम कुछ हिमोलिस हैं कुछ मोलाइटिक डिजीज़ हैं जैसे कि पर्निशियस एनीमा है पर्नीशियस एनीमिया में ये होता है कि पन्नीशियस एनीमिया एक विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशंसी की वजह से होता है विटामिन डी बी ट्वेल्व डिफिशिय की विटामिन बी टवेल्व जो है उसको रिक्रूट करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए एक इंट्रेंसिक फैक्टर की जरूरत होती है विटामिन बी टवेल्व जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके रेड ब्लड सेल की जनरेशन के लिए अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल वो विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली एनीमिया हो जाएगा चलें वो तो ठीक है लेकिन अगर वो विटामिन बी ट्वेल्व हम री हम ऐब्जॉर्ब नहीं कर रहे क्यों ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहे क्योंकि इंटरेंजिक फैक्टर हमारे पास नहीं है जिसने विटामिन बी ट्वेल्व को घट से एब्जॉर्ब करना था इंट्रेंसिक फैक्टर क्यों नहीं है बिकॉज इंट्रेंजिक फैक्टर रिलीज होता है पेराइटल सेल्स ऑफ योर स्टोमिक से पेराइटल सेल्स ऑफ योर स्टोमिक किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से डैमेज हुए हुए होंगे ये आई जी चीज ये आई जी एम आपके पेराइटल सेल्स को बाहर के सेल समझ बैठेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे ठीक है अगर वो पेराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो इंटरेंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया अगर इंट्रेंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर क्या होगा उसकी वजह से बी ट्वेल्व नहीं होगा आपको एनीमिया हो जाएगा ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं अच्छा आई जी एम ओ रिएक्ट विद सेल सर्फेस एंटीजन टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रोड्यूस डायरेक्ट डैमेज ऑफ द सेल सर्फेस ये कैसे हो रहा है ये हमने डायग्राम से uh, इसको हम पढ़ते हैं कि डायग्राम्स में ये कैसे हो रहा है मैं ज़रा पानी पी लूँ हाँ जी अब आप यहाँ पे देखें कि एक टारगेट सेल है जैसे कि वो रेड ब्लड सेल है फॉर एग्जाम्पल वो रेड ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल पे एंटीबॉडी ने एक्ट किया है क्योंकि रेड ब्लड सेल के एक सरफेस पे कोई एंटीजन था जिसको बॉडी ने समझा ये बाहर का एंटीजन है ठीक है उसको नहीं लगा कि ये हमारा अपना एंटीजन है उसको लगा कि ये बाहर के एंटीजन है और वो ऑटो एंटीजन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो गई जब वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी तो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जैसे कि आई जी आई जी एम उनके एफ सी पोर्शन पे जाके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अटैच होंगे ठीक है वो कौन से कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सी फाइव नाइन है एंड सी वन फोर टू थ्री है अगर सी फाइव नाइन अटैच होगा तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को ये पता चलेगा कि ये जो फ्लैग लग गया सी फाइव नाइन का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने ये जो फ्लैग लगा दिया है हमारे रेड ब्लड सेल पे एक फॉरेन एंटीजन के ऊपर इसका मतलब है ये कहीं बाहर का एंटीजन है तो मिमब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर एक्ट करेगा और ऑस्मोटिक लाइसिस के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर देगा सो हिमोलिसिस हो रही है किस वजह से कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने C59 का फ्लैग लगा के हमारी बॉडी को ये कहा कि ये बाहर का एंटीजन है ये होस्ट एंटीजन नहीं है ये फॉरेन एंटीजन है ये थ्रेट है उसके उसके ऊपर मेब्रीन अटैक कॉम्प्लेक्स ने अटैक कर दिया अगर उसके ऊपर वन फोर्टी का फ्लैग लगेगा तो सी उसको ऑप्शोनाइज कर देगा और सी को लगेगा कि ये सी जो है उस पर एक ऑप्शनन की तरह एक्ट करेगा और उसे लगेगा कि ये जो है एक बाहर का ऑब्जेक्ट है एक बाहर की कोई मटेरियल है और जो ऑप्शनन अटैच होगा जो रिसेप्टर पे बिग पार्टिकल अटैच हुआ होगा एंटीजन अटैच हुआ होगा उसको आपको माइक्रोफेज समझेंगे ये शायद बाहर का है ये हमारा नहीं है जैसे मैंने आपको ये बताया था कि वही वाली बात जो माइक्रोफेज हैं वो एम एच के ऊपर एक पार्टिकल लगा देंगे जिसको हम ऑप्शनन कहते हैं थ्रू ऑप्शनाइजेशन फिर वो जो माइक्रोफेज है वो उसे इनगल्फ कर लेगा फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है मैक अगर डायरेक्टली एफ सी पोर्शन पे एफ सी रिसेप्टर पे, डायरेक्टली मैक्रोफेज के एफ सी पोर्शन पे वो टारगेट सेल जा के अटैच हो गया तो फेगोसाइटोज हो जाएगा डायरेक्टली ही तो तीन प्रोसेस हैं जिनके थ्रू कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा है और हिमोलिसिस हो रही है एक सी फाइव नाइन के थ्रू एक सी वन फोर टू थ्री के थ्रू सी वन फोर टू थ्री पे क्या हो रहा है कि रेड ब्लड सेल का फ्लैग लगाया सी वन फोर टू थ्री पे जब वो फ्लैग लगा है तो सी थ्री बी ने डिटेक्ट किया है कि ये बाहर का फ्लैग है एंड उसे ऑप्शोनाइजेशन के लिए रेडी किया है और जैसे ही वो ऑप्शोनाइजेशन के लिए रेडी हुआ है तो फेगोसाइटोस शुरू हो गया मैक्रोफेज की तरफ से और आप ये नीचे देख सकते हैं कि सी थ्री बी रिसेप्टर पर को डिटेक्ट करके मैक्रोफेज ने उसे एंगल्फ करना शुरू कर दिया है फेगोसाइटोस करना शुरू कर दिया ठीक है सी थ्री बी सी वन फोर टू थ्री एंड सी फाइव डी नाइन ये तीन जो हैं ये तीन रिएक्शन हैं जिनके थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी की उनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं उनकी ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आप इनको एक दफा पढ़ लीजिएगा जितनी भी ट्रांसफ्यून रिएक्शन हैं उनकी वजह से जो जॉन्डस होता है उनमें भी यही कुछ होता है और अगर वो जॉन्डस हो जाए तो उसकी वजह से कनेक्ट्रेस क्यों होगा इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्ल्यूरोबिन कहाँ से ब्ल्योरबिन रिलीज हो रहा है बाय द मेटाबलिज्म ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स ये सारे रिएक्शन को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इनमें क्या क्या कुछ हो रहा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइड टॉक्सिसिटी एक्जैक्टली सिमिलर है इसमें क्या हो रहा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्यों है सेल मीडिएटेड इम्यून डिफेंस है ठीक है जी जिसमें अफेक्टर सेल्स जो होंगे आपके इम्यून सिस्टम के वो आपके टारगेट सेल का लाइसिस करवा देंगे हमने ये पहले बहुत अच्छे से पढ़ा भी हुआ है टारगेट सेल देख रहे हैं अगर ये रेड ब्लड सेल टारगेट सेल था तो इस पर एंटीबॉडी अटैच होगा वो एंटीबॉडीज जो हैं जब वो अटैच होंगे तो वो रिक्रूटमेंट कर लेंगे आपके नेचुरल किलर सेल्स की ठीक है वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होंगे वो फिर आपके साइडोटॉक्सिक टी सेल्स के थ्रू अफेक्टेड सेल्स को रिक्रूट कर लेंगे और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं इसको बाय ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स डैमेज कर देंगे इसको अच्छा ये एक और प्रोसेस है देखिए इसमें दो प्रोसेस थे आपको समझ आ गई इसमें दो प्रोसेस थे एक तो टारगेट सेल पे डायरेक्ट एंटीबॉडीज भी अटैक रहे थे और नेचुरल किलर सेल रिसेप्टर्स पे अगर नेचुरल किलर सेल्स आएंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आएंगे और वो डिटेक्ट करेंगे कि ये नॉर्मल एंटीजन नहीं है ये बाहर का एंटीजन है वो देखेंगे कि नेचुरल किलर सेल जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो वो या तो नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्टली से डिटेक्ट कर लेंगे कि इस पर जो डेंसिटी होनी चाहिए थी इस पर जो जो एम एच सी वन होना चाहिए था वो उतना नहीं है बजाय इसके कि इसके ऊपर एम एच सी वन की डेंसिटी होती इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ अटैचड हैं एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ अटैचड हैं जब उनको देखेंगे कि इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ अटैचड हैं तो वो लगेंगे कि उनको ये लगेगा कोई ऑटोम्यून रिएक्शन हो रहा है इसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आपके नेचुरल किलर सेल्स इस रेड ब्लड सेल का लाइसिस करवा देंगे

ठीक है एसीटाइल सी टाइल कुल कुलिन रिसेप्टर्स को ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो एसीटाइल टाइल कुलीन रिसेप्टर्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर एसीटाइल सी टाइलकुलन कहाँ पर अटैच होगा कहीं भी नहीं अटैच ही नहीं हो सकता आपकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें ए सी टाइलकुल बेशुमार होगा लेकिन जहाँ उन्होंने जंक्शन पर जाके अटैच होना था पोस्ट सिनेप्टिक वेजिकल पर अटैच होना था जहाँ पे एसीटाइल सी रिसेप्टर होना था वो रिसेप्टर ही डैमेज हो गया है विद द हेल्प ऑफ आई जी जी वो आई जी जी ऑटोम्यून रिएक्शन ने जाके डिस्ट्रॉय कर दिया है आपका एक्सीटाइलोलिन रिसेप्टर उसकी वजह से आपको माइस्थीनिया ग्रेविस होगा और माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में आप पढ़ लेंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस में जो है वो एक डिसेंडिंग पैरालसिस होता है उसमें और उसकी वजह से जो आपको आंखों से लेके ऊपर से नीचे की तरफ आपको पैरालिसिस शुरू हो जाता है जैसे ड्रोपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है आई ब्रॉडिंग हो जाती है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जो हैं उनकी पैलसी हो जाती है फिर और ज्यादा डिस करें तो बल्बर पैलसी हो जाती है जैसे आपके वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस शुरू हो जाता है उससे ज्यादा करें तो आपके चेस्ट मसल्स इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं उनका पैरालिसिस शुरू हो जाता है और आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से आपकी डेथ हो जाती है सो फिर जो माइसिनिय ग्रेविस है उसमें भी आपको टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी आटोमियन रिएक्शन होता है और वो क्यों होता है क्योंकि आपके आई IgGs आपके पोस्ट सिनेप्टिक वेजिकल्स में एसीटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज कर देते हैं क्योंकि उनको वो समझ बैठते हैं कि ये फॉरेन एंटीजन है ये ऑटो एंटीजन है ये कुछ और है ये इंट्रेंसिक नहीं है ये एक्सटेंसिक है बाहर से आया है

अच्छा जी अब आते हैं हम टाइप थ्री पे टाइप थ्री हाइपर इज ऑलसो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिविटी मैं अब टाइप थ्री को तो जल्दी जल्दी कवर करूँगा क्योंकि पहले लेक्चर बहुत लंबा हो गया और टाइप फोर आप लोग खुद पढ़ेंगे क्योंकि टाइप फोर की सिर्फ दो तीन स्लाइड्स हैं एंड उनकी उनमें जो लिखा हुआ है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का एक्शन है बीच में जो टी हेल्पर सेल्स का एक्शन है वो आपने सारा पढ़ लिया है तो फिर आप जो टाइप फोर है उसको आप खुद एक दफ़ा पढ़ लेंगे अच्छा जी टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी द रिएक्शन मे टेक थ्री टू टेन आवर्स इससे भी ज़्यादा लग सकता है इवन जो सीरम सिकनेस होती है जब तो वो सिक्स टू फिफ्टीन डेज तक भी चली जाती है थ्री टू टेन आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन एज एन आर्थस रिएक्शन अच्छा ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ द रिएक्शन मे बी जनरल सीरम सिकनेस सीरम सिक्सनेस मेंिक्स टू फिफ्टीन डेज लगते हैं आर्थस रिएक्शन में थ्री टू सिक्स आवर्स एंटीजन कॉजिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड बाहर के अच्छा इसमें आपको याद होगा टाइप वन में क्या बात की थी हमेशा एक्सट्रेंजिक होगा एलर्जन एंटीजन की बात टाइप टू में क्या हुई हमेशा इंटरेंजिक होगा इसमें एक्सट्रेंसिक भी हो सकता है इंट्रेंजिक भी हो सकता है बाहर से भी आ सकता है इंट्रेंजिक भी हो सकता है ठीक है दोनों हो सकते हैं वो तो कैसे कैसे हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं हम बात करते हैं एंटीजन कंबाइंस विद एंटीबॉडी विद इन सर्कुलेशन एंड फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स वेयर एवर इन द बॉडी दे डिपॉजिटेड देखिए जी इसमें ना होता ये है लेट मी टेल यू एंटीजन कोई एंटीजन बाहर से आया फॉर एग्जाम्पल ठीक है कोई भी चीज़ कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी आया बाहर से उनके अगेंस्ट भी हो सकता है हमारे नॉर्मल एंटीजन को भी ये एक्सफेंसिक एंटीजन समझ सकती है किसको समझ सकती है हम आगे बात करते हैं किन किन चीज़ों को ये इसमें रिक्रूटमेंट हो सकती है हेपेटाइटिस बी सी में भी होता है अच्छा जी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस बाहर से आया क्या होगा होगा ये कि एंटीजन पे उस एक, एक जो भी एंटीबॉडी होगा उस पर जब एंटीबॉडी जाके उस पर रिक्रूट करेगा उसको एंटीजन को अटैक करेगा जैसे वो अटैक करेगा तो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा राइट right? अच्छा नॉर्मली ना ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमें नुकसान नहीं पहुँचाता ये सब में बन रहे हैं ये कॉम्प्लेक्सेस सबकी बॉडी में है लेकिन माइक्रोफेज इनको फेगोसाइटोस करके डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर रेटिकुलो एंडोथिलियल सिस्टम जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है लेकिन एट सर्टेन लेवल जब रिपीटेड एक्सपोजर हो या कोई रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जैसे हेपेटाइटिस बी है जैसे हेपेटाइटिस सी है जैसे कि टीबी है कोई रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है या फिर इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस कि ये ये आपकी बॉडी के मैक्रोफेजेस या रेटिक्यूलो एंडोथिलियल सिस्टम जो है जिसके सेल्स लिवर में भी मौजूद हैं जिसके सेल्स स्किन में भी मौजूद हैं जिसके सेल्स स्प्लीन में भी मौजूद हैं वो इसको फेगोसाइटोस नहीं करवाते डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते फिर ये जगह जगह टिश्यूज़ में जाके अटैच हो जाते हैं और वहां पे जाके ये नुकसान करते हैं वहां पे जाके पैथोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं इन्फ्लेमेशन करते हैं नेक्रोसिस करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीजन आया एंटीबॉडी उससे जाके अटैच हुआ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एफ सी पोर्शन जो है जो एफ सी एक स्पेस थी जो एफ सी एक रिक्रूटमेंट सेंटर था उस एंटीबॉडी पे उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैच हो जाएगा ठीक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक डिजीज़ है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा एक डिजीज़ में उसमें आपको खुद ही जैसे वो एस है और रोमोटाडार्थराइटस है उनमें रोमोटाडार्थराइटस में मेनली आपके एंटीबॉडी पे ही एंटीबॉडी अटैच करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है सो so, ये ऑटो एंटीबॉडी डैमेज होता है एग्जैक्टली exactly, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इसमें समझें कि आपके एंटीजन अटैच हुआ एंटीबॉडी पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बढ़ा एफ सी पोशन के ऊपर फिर वो एक्सपोज होगा और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जाके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा जब ये कॉम्प्लीमेंट अटैच होगा ये क्या करेगा ये कॉम्प्लीमेंट रिक्रूट करेगा न्यूट्रोफिल्स को कौन सा कॉम्प्लीमेंट सी फाइव ए ठीक है इसमें यूज रखेगा कि ए ने अराइवल किया और फाइव लोब्स वाला सेल कौन सा है न्यूट्रोफिल तो सी फाइव ए ने न्यूट्रोफिल को रिक्रूट किया जब वो एंटीबॉडी के एफ सी पोर्शन पर अटैच हुआ ठीक है जब सी फाइव ए रिक्रूट करेगा तो न्यूट्रोफिल्स डीग्रेनुलेट करेंगे जब वो डिग्रेनुलेट करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स लाइजोजोमल एंजाइम्स रिलीज करेंगे वो जो लाइजोजोमल एंजाइम्स होंगे वो आपको टिश्यू डैमेज करवाएंगे नेक्रोसिस करवाएंगे एक और चीज भी उसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं थ्रोम्बोसिस करवाते हैं

जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी हो रही है एंड लाइजोजोमल रिलीज ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई होगी आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा और ये बात भी हम ऑलमोस्ट सारी कर चुके हैं इनको आप एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा रिएक्शन हाँ, इस पर आते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है अच्छा जी सीरम सिकनेस एंड आर्थस रिएक्शन है क्या रिएक्शन ये है कि अगर हमें बार बार एक चीज का एक्सपोजर हो रहा है रिपीटेडली फॉर एग्जांपल फार्मर है एक्टिनोमाइसिस का बार बार एक्सपोजर हो रहा है उसे हे फीवर हो जाएगा जैसे कि कोल है बार बार एक कोल वर्कर है उसको जो कोल डस्ट का एक्सपोजर हो रहा है कोल इंडस्ट्री में वो काम करता है कोल वर्कर को हो जाएगा इस लेटर ऑन इवन मीजोथिलियोमा हो जाएगा शिप यार्ड है इंसुलेशन है उस इंसुलेशन का बार बार उसे एक्सपोजर हो रहा है इस तरह बेशुमार डिजीज हैं जिसमें उन्हें है। बार बार एक ही चीज़ का जब रिएक्शन होगा एक ही चीज़ बार बार जब वो एक्सपोज होगा सिमिलर एंटीजन को उसकी वजह से आर्थस रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आई ठीक है वो जो आई है वो फर्दर एक्सपोज़र की वजह से एक लोकल इंजरी कॉज करवा देगा ठीक है वो जो आई होंगे वो ओवर सेंसिटाइज होंगे हाइपर सेंसिटाइज हो जाएंगे और एक दफ़ा जब एक्सपोजियर होगा तब तो कोई रिएक्शन नहीं होगा लेकिन अगर बार बार एक्सपोजर होगा तो फिर इसी एक्टिवेशन हो जाएगी उनके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की और उस एक्टिवेशन की वजह से वहाँ लोकल लाइजोजोमल रिलीज होगा और उसकी वजह से आर्थस रिएक्शन होगा और लोकलाइज मैं बार बार लोकल की बात कर रहा हूँ इसमें सिस्टेमिक बात नहीं है ये सिस्टेमिक इलनेस नहीं है आर्थस रिएक्शन हमेशा लोकल होता है लोकलाइज्ड आईजीजी जो है वो एक्टिवेट होने के बाद डैमेज कर देगा लोकलाइज टिश्यू की अच्छा सीरम सिक्रस सिस्टेमिक होगा ठीक है Uh, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की बात हुई हुई है ये भी वो मैंने जो आपको बात की वर्कर न्यमसिस की वजह से होता है अच्छा जी सीरम सिकनेस पहले के ज़माने में ये होता था अब सीरम सिकनेस बहुत कम है कि हम मैंने आपको पहले भी बताया कि बार बार सीरम इंजेक्ट करते थे ताकि एक एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइज किया जाए एंटीबॉडीज़ को ताकि अगर वो दोबारा हमें वो डिज़ीज़ हो तो प्रोफेलेक्टिकली हमारे पास एंटीबॉडीज़ मौजूद हों अच्छा अब आपने जब सीरम इन्फ्यूज़ in, uh, करना है तो वो सिस्टेमिकली आपके ब्लड में जा रहा है इसलिए इसमें सिस्टेमिक रिएक्शंस होता है तो सीरम सिकनेस बहुत सारी डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है सीरम सिकनेस की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं बहुत सारी ड्रग्स हैं जो सीरम सिकनेस करवाती हैं और ये 16 टू 15 डेज़ में होता है ठीक है 16 टू 15 डेज़ में होगा और uh, क्यों होगा मैंने इसकी बात आपसे पहले भी की थी सिक्सटीन टू फिफ्टीन डेज में इसलिए होगा क्योंकि एंटीबॉडीज़ को बनने में टाइम लगता है जब सीरम सिकनेस होगी तब जो एंटीबॉडीज बनेंगी उनको बनने में कम से कम सात से दस दिन लग जाएंगे या दस से पंद्रह दिन भी लग सकते हैं ठीक है अब ये जो रिपीटेड एक्सपोज एंटीजन है देखिए जी एंटीजन पहले आया मैंने आपसे कहा कि पहले दूसरे एक्सपोजर पे मे भी कुछ भी ना हो लेकिन जब बार 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 एक्सपोज हो रहा है तो अंदर ऑलरेडी एंटीजन मौजूद है एक सर्टेन अमाउंट में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी मौजूद हैं तो फिर जब फ़ौरन से रिएक्शन होगा जब फॉरन से एक्सपोजर होगा तब जो रिएक्शन होगा जो आर्थस रिएक्शन वो बहुत फास्ट होगा बहुत तेजी से होगा ठीक है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होंगे ऑलरेडी डेपोजिशन हुई भी होगी इम्यून सिस्टम की और फिर जब एक एलर्जन आए सॉरी जब एक एंटीजन बाहर से आएगा तो फिर आपको एक स्ट्रॉग रिएक्शन मिलेगा बाय द आई जी वाज़ विच वॉज ऑलरेडी मेड बाय द प्रीवियस रिएक्शन ऑफ सेम एंटीजन अच्छा सीरम सिकनेस सीरम सिकनेस में ऑब्वियसली सिस्टेमिक बात हुई ड्रग्स बेशुमार ड्रग्स हैं जो सीरम सिक्नेस करवा सकते हैं बेशुमार ड्रग्स हैं जो नॉर्मल टेन परसेंट लोगों के लिए भी एलर्जिक होती है। जैसे आ, हैं जैसे कि सल्फोनामाइड्स हैं जैसे कि फोटेसन बी है जैसे कि पेनिसिलिन्स हैं आ, टेटनस इंजेक्शन हैं फ्रम है एक्टीनोथायोमाईसाइट्स अक्ति, हैं बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैं जैसे एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर लंग्स में हो रहा है uh, अगर एस एल ई डिजीज़ है रोमेडार्थराइटस है ग्लोमेलोफ्राइटस है ये सारे के सारे सीरम सिकनेस की वजह से हो रहे हैं इन सब में हाइपर सेंसिटिविटी थ्री रिएक्शन होता है अब टाइम ज्यादा हो रहा है मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन मैं चलो एक, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे मैंने पहले सिस्टेमिक लूपस एरेथमाटोसिस की बात की जो सिस्टेमिक लूपस एरेथेमाटोसिस होगा ना उसमें आ, या मैंने पहले रोमोटार्थराइटस की भी बात की अगर सिस्टेमिक लूपस एरेथेमाटोसिस की बात करें उसमें एक सिस्टेमिक डिजीज़ है स्किन में भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जॉइंट्स में भी किडनी भी जहाँ बनेंगे लाइजोजोमल इन्जाइम रिलीज होंगे प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी थ्रोम्बोसिस होगा लोकल डैमेज होगा समझ आ गई लोकल नेक्रोसिस होगा चलो ठीक है अगर एस में होता यह है कि उसके डीएनए के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं एस में सर्टेन सेल्स के डीएनए को समझ लें ये फॉरेन डीएनए है ये फॉरेन एंटीजन है ठीक है ठीके? अगर वो उसको ये समझ लेंगे कि ये फॉरेन एंटीजन है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो फिर वहाँ पे एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आएगा और उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट होगी न्यूट्रोफिल्स की और कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ अच्छा कैसे डीएनए एन देखें जी कुछ हमारे कुछ सेल्स हैं जिन पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डी एंटीबॉडीज जब आके अटैच होते हैं ठीक है अगर एक एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी आके अटैच हो गया इसमें एंटीबॉडी भी फ्रीली घूम रहा है ठीक है एंटीबॉडी फ्रीली घूम रहा है अगर एंटीबॉडी जाके अटैच होगा आपके नॉर्मल सेल पर तो फिर इसे क्या होगा विद द हेल्प ऑफ मायोसिन वो एंडोसाइटोज हो जाता है इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस जब वो एंडोसाइटोज होगा तो वो डीएनए के साथ रिएक्ट करके ये सिस्टेमिक लूपस सर की बात कर रहा हूँ एस एल डिजीज है ऑटोम्यून जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो डीएनए पे अटैक करेगा वो एंटीबॉडी इसलिए जब आपने एस में लेबोर्ट्री टेस्ट करवाने होते हैं तो आप एंटीबॉडीज़ ढूंढते हैं जिनका नाम है एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज़ अगर आपको एंटी डी एस डी एन एंटीबॉडीज ब्लड में मिल जाए तो इसका मतलब इस है इस पेशेंट को एस एल ई है सिस्टेमिक लूपसमेटोसिस है एट द सेम टाइम आर्थराइटिस में क्या होता है आर्थराइटिस में ये होता है कि आपके जो आई जी जी आपके ही आई जी जी के अगेंस्ट उसके जब आई जी जी होता है जब उसके एफ सी पोर्शन को एक एंटीजन समझ बैठता है आपकी बॉडी ठीक है एक एंटीजन समझ बैठेगी अच्छा जब वो एंटीजन समझ बैठेगी तो उसके ऊपर आई जी जी के ऊपर ही बात कर रहा हूं पोर्शन पे जो कॉम्प्लीमेंट तो अटैच होगा सो होगा आई जी जी एंड आई भी अटैच हो जाएंगे क्या बात कर रहा हूं मैं आई आईजीजी एंटीबॉडी पे आई अटैच हो जाएगा तो ये आपके ही एंटीबॉडी पे उसी को ही फॉरन एंटीजन समझ के उसके ऊपर ही एक और एंटीबॉडी अटैच हो गया और वो उसको आपके आई को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस पर फिक्सड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगी और फिर यही कॉम्प्लेक्स जब एक्स्ट्रा विजेट होगा और जब जाके किसी टिश्यू पे अटैच होगा डिस्ट्रॉय कर देगा उसको so, क्योंकि वो बुलाइजोमल इन्जाइन रिलीज करेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड है और वो रिक्रूटमेंट कर रहा है न्यूट्रोफिल्स की ठीक है सो फिर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जिस जिस एफ सी पोर्शन पर अटैच हो रहा है और जिस जिस एफ सी पोर्शन पर जिस एंटीजन को हम जब भी एक एंटीजन हमने पकड़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अभी रोमोटाड आर्थराइटिस की बात कर रहा था तो इसमें हम देखते हैं रोमोटाइड फैक्टर है कि नहीं ब्लड में जैसे मैंने एंटी डी एस डी ए की बात की ना एस एल ई में इसी तरह हम देखते हैं कि रोमोटाड आर्थराइटिस में रोमोटाइड फैक्टर है कि नहीं अगर रोमोटाइड फैक्टर है क्या वो ये है कि जब आई जी जी ने एंटीजन को पकड़ लिया तो आईजीजी ने जब एफसी पोर्शन एक्सपोज किया ताकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके अटैच होता तो वहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपका ही आईजीजी और आपका ही आईजीएम उसी आईजीजी के एफसी पोर्शन पे अटैच होगा और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी अटैच होगा और इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी सिमिलर प्रोसेस दोबारा होगा न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट लाइज एंजाइम रिलीज एंड उसके बाद फिर डैमेज होगा आपके लोकल टिश्यूज का और फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी थ्रोम्बोसिस होगा फर्दर डैमेज होगा ठीक है तो सीरम सिकनेस और रिएक्शन ये था चले जी बाकी बातें जो हैं फिर आ, आगे टाइप फोर हाँ जी ये सारी वो बातें हैं कि इसमें क्या होगा ये सारे आप पढ़ लेंगे अर्थराइटिस की बात भी यहाँ की गई है जी रोमटार्ड अर्थराइटिस की फिर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ अर्थराइटिस में ये होगा कि आपकी जो यही 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 जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपकी साइनोवियम ऑफ जॉइंट पे ठीक है जब आपकी साइनोवियम ऑफ जॉइंट पे जाके अटैच होंगे तो फिर ये आपकी साइनोवाइटस करके आपके जॉइंट का साइनोवियम डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसकी वजह से आपको डिस्टॉर्शन ऑफ योर जॉइंट्स होगी ऐसे ली में मेलर रैश होता है जब स्किन पर ये जॉइंट्स जाके अटैच हो जाते हैं तो ये जो रैश आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं बटरफ्लाई रैश ठीक है so, ये बटरफ्लाई रैश अभी चेहरे पे तब आएगा रीज स्किन रैश होता है ये तब आएगा जब आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस स्किन पे जाके अटैच हो जाएंगे टाइप फोर आप लोग खुद पढ़ेंगे दिस इज इट फॉर टुडे